खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर। ये प्रॉपर्टी मेरे पति की है, मेरी है, हमारी प्रॉपर्टी है, मेरे सास ने दिया था हमको, और ये मेरे देवर लोग ने हमसे धोखा किया, नकली पन्ने बना के और बिल्डर को भेज दिया है। मेरे पिताजी का नाम था उसमें, मेरे पिताजी का नाम था, तो वो नकली पेपर बना के सब मेरे चाचों ने, और पिताजी का नाम हटा दिया और खुद ही ले लिया, और हमको बोला कि आपको ऐसा दे दिया, और कुछ भी नहीं दिया, एक रुपया भी नहीं दिया। अभी हमारे पास पूरे पेपर है, और असली जो विल है, जो अम्मा देखे गई है मम्मी को, वो हमारे पास ही है, असली विल है, इनके पास नकली विल है, और पूरा अभी रजिस्टर भी हो गई है मम्मी का इसमें तहसीलदार में, वो भी पेपर है हमारे पास। ये मेरे चाचे लोग जो इसमें बसंत शर्मा, वाशी शर्मा, वाशु शर्मा और नारी शर्मा, तो जो बसंत शर्मा है और मेरे दूसरे दुबई वाले चाचा है वो अभी हैं यहाँ पे, बाकी तो नहीं है, वो एक्सपायर हो गए, तो उनके पूरे मैश है सब, जिसने मेरे कज़िन वज़िन से सब है, सबका हमने सबको नोटिस भी भेजा है, दार में दे दिया है, लीज पेंडेंसी का ये भी है, पूरा पेपर है, पकड़ो, केस चालू है कोर्ट में, पूरा पेपर है। हमारा हिस्सा जो पांचवा हिस्सा बनता है हमारे हक का, वो मेरी मम्मी को मिलना चाहिए, बाकी हमको कुछ और ये नहीं है, जो हक है हमारा वो हमें मिलना चाहिए। हमने मीटिंग भी की थी पर वो मीटिंग में मान नहीं रहे थे, बोले बलि आओ, आना आओ कोर्ट में, तो अभी हम लोग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, और हमारे हक, हमारे हक का हमें चाहिए। मैं भी एक म्यूजिशियन हूँ, मेरी माँ, मेरे पिताजी म्यूजिशियन थे, ये एरिया में भी सबको पता है कि श्याम नारायण ऑर्केस्ट्रा कितना फेमस है, तो हम लोग के साथ चीट हुई है, बिना बोले सब पूरा डेमोलिशन ये पूरा कर दिया, तोड़ दिया, उसका वीडियो भी है, मैं आपको शेयर करूँगा। हम लोग से इन लोग ने कोई भी NOC नहीं लिया हुआ है, प्रॉपर्टी सेल करने से पहले, तोड़ने से पहले हम लोग का कोई भी NOC इनके पास नहीं है, टोटली। अगर हम लोग को इन लोग ने प्रॉपर्टी का शेयर दिया होता तो एटलीस्ट इन लोग के पास हम लोग का NOC होता, जो कि आज उन लोग के पास कुछ भी नहीं है। इनके पास जो भी पेपर है सब इन्होंने नकली किया है, बनाया है, और बिल्डर भी है वाधवा बिल्डर्स, कृष्णा इंटरप्राइजेस, उनको इन लोग ने बेचा है, तो केस चालू है, नो प्रॉब्लम। तो हमारा हक का हमारा चाहिए, मैं पूरे उल्लासनगर को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और पूरे देशवासियों को कि हमारे हमारा हक का हमें मिलना चाहिए।